अब हम बात करेंगे देवभूमि के दिव्य कुंभ की, जिसकी रौनक, वहां की हर तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है, आगे भी पहुंचाएगा। और इस विशेष कवरेज के लिए हमारी पूरी टीम हरिद्वार में। कल दूसरा शाही स्नान हरिद्वार में, तैयारियां क्या हैं इसके लिए हम सीधा चलते हैं हरिद्वार, और हमारी सहयोगी प्राची पराशर वहां पर मौजूद हैं, उनके पास दिखाने के लिए दिव्य और सुंदर तस्वीरें हैं। प्राची, निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगी और वहां पर देख रही होंगी कि कैसे कल के शाही स्नान की तैयारी चल रही है, हम भी देखना चाहेंगे प्राची। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इस महाकुंभ की जो दिव्य तस्वीरें हैं वही एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पहुंचा है इस जगह पर, और अलग अलग कैमरों की नजर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो महाकुंभ है वो कितना भव्य और कितना दिव्य है। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ उससे ठीक सामने का जो नजारा है वो मैं कहूंगी अपने कैमरा सहयोगी सुनील से कि वो नजारा दिखाएं और दर्शकों को ये समझाएं कि ये जो कुंभ है वो कितना भव्य होने जा रहा है। तो देखिए, ये हर की पैड़ी का नजारा हम दिखा रहे हैं, और ये जो क्षेत्र दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं ये वही क्षेत्र है जहां पर कल शाही स्नान किया जाएगा, जहां पर कल अखाड़े आएंगे तमाम गाजे बाजे के साथ, सोने चांदी की पालकियों पर सवार होकर, हाथी घोड़ों पर सवार होकर अपने वैभव और अपनी शक्ति का वो प्रदर्शन करेंगे। ये वो क्षेत्र है जो कुंभ क्षेत्र है, जो शाही स्नान यहाँ पर किया जाएगा। अभी राजेंद्र जरूर यहाँ पर भीड़ भाड़ नजर आ रही है, लेकिन कल सुबह ये पूरा क्षेत्र खाली रहेगा, किसी को भी आने की यहाँ पर इजाजत नहीं रहेगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि ये जो पुल देख पा रहे हैं, इस पुल को जरा जूम करें ताकि हमारे दर्शक देख सकें। ये जो पुल है, यहाँ से अखाड़ों की एंट्री होगी, यहाँ से अखाड़े आएंगे और यहीं से आकर वो स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। तो जो कल की तस्वीरें होंगी वो तो खास होंगी ही, लेकिन आज की तस्वीरें भी बहुत ही ज्यादा भव्य है। और एक और खास बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं इन तस्वीरों के साथ साथ, देखिए 6 अप्रैल से ही, ये कहा जाए कि 6 अप्रैल से ही इस महाकुंभ की वास्तव में शुरुआत हुई है। इसके पीछे का कारण ये है कि कुंभ राशि में 6 अप्रैल से ही बृहस्पति आए हैं और तभी से औपचारिक शुरुआत महाकुंभ की मानी जाती है, इसीलिए 6 अप्रैल से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है ऐसा कहा जा रहा है। और इसी बीच कुछ भव्य तस्वीरें, कुछ अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये संस्कृति का समागम है राजेंद्र, और यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं, सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं और यहाँ स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। और इस बार की अगर बात करें तो देखिए, हम सब जानते हैं राजेंद्र कि ये जो महाकुंभ है वो हर 12 साल पर लगता है, लेकिन इस बार 11 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है। और इसके पीछे की भी जो वजह है वो दर्शकों को समझा दें कि लगभग ऐसा कहा जाता है कि 150 साल में घृ नक्षत्र की जो स्थिति है वो बदलती है, और इस बार ऐसा हुआ है और इसी वजह से 11 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है। हालांकि देखिए, कोरोना की मार जरूर है, इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ नहीं कही जा सकती है जितनी भीड़ अमूमन कुंभ में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जा रहा है। हालांकि राजेंद्र, लापरवाही यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है लोगों की तरफ से, समझ नहीं पा रहे हैं वो कि कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच भव्यता, संस्कृति और आस्था की जो मनमोहक तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एबीपी गंगा ने वादा किया है अपने दर्शकों से कि हम अलग अलग कैमरों की नजर से दिखाएंगे कि आखिर कैसा ये महाकुंभ है। और इस बीच मेरे सहयोगी विनोद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुंभ क्षेत्र से ही वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि वो हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास दिखाने जा रहे हैं। विनोद, देखिए हमने हर की पैड़ी की तस्वीरें दिखा दी हैं अपने दर्शकों को और बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर सुंदर माहौल हो चुका है, आप जरा अपने कैमरे की नजर से दिखाइए कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ जानकारी आप दे रहे हैं इस महाकुंभ को लेकर। जी प्राची, देखिए करीब 12 घंटे बाद में शाही स्नान का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और यानी सुबह 4 बजे से ये शुभ मुहूर्त हो जाएगा कल शाही स्नान का। और मैं इस वक्त हर की पौड़ी क्षेत्र पर हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जितने भी देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका तांता यहाँ लगने जा रहा है। और ये भीड़ का जुटना इस कारण भी है कि करीब 6 बजे गंगा आरती होगी, और हर कोई चाहता है जब देश विदेश से वो हरिद्वार की रुख करता है तो कोशिश यही करता है कि आखिरकार गंगा की आरती में वो शामिल हो। आज गंगा की आरती में लगातार अब श्रद्धालु यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं, और साफ सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि ये सीधे तौर पर जो हर की पेड़ी है
यहाँ पर श्रद्धालु जिस तरीके से जुटना शुरू हो गए हैं उसके ठीक बाद में। ठीक है विनोद और प्राची, हमने देखा कि आप देख रहे हैं हम लोग कि कैसे वहां पे श्रद्धालु हैं और निश्चित रूप से कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। और कोरोना जैसे जैसे अभी पिछले दिनों बढ़ा है इसका भी असर संभवतः यहां पर दिख भी रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने प्लान किया हो लेकिन जैसे कोरोना का ग्राफ ऊपर गया है उनके उत्साह में थोड़ी कमी दिखती है, क्योंकि अमूमन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। फिर भी तस्वीरें दिव्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राची, आपका और विनोद का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार से, हर की पैड़ी से, कुंभ स्थल से ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन